अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे और 1 से 2 साल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कहीं जाने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, आपको पता है पूरी बॉडी में सबसे पसंदीदा पार्ट जो है वो मेरा, मेरे लिए हाथ है, तो मैं जो है वो स्क्रबिंग करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल मार्केट जाने से पहले मैंने यही काम करा, सारी मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली, जितना भी डिटर्जेंट का काम था, जितना भी केमिकल वर्क था घर का, वो मैंने सारा कर लिया। मैंने कुकिंग कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया। कुकिंग में सिर्फ मैंने दाल चावल बनाए और कुछ भी ज्यादा खास नहीं करा, लेकिन ओवरऑल मैंने घर का काम जो है वो निपटा लिया कि भैया जल्दी से स्क्रबिंग कर लेंगे, क्योंकि हाथ ही तो आगे रहते हैं ना। और हम लोग जाने वाले हैं समीरा के देवर जो है उनके मकान की ओपनिंग में, तो जाहिर सी बातें वहां जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे तो हाथ दिखेंगे ना। ये ना मेरी वैक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। देन मैंने वैक्स करा और वैक्स करने में जो है साहब ने मेरी हेल्प करी है। पता है यहाँ पर ये हुआ कि मुझे वैक्स करता हुआ देख जो है गुड्डा को भी बड़ा शौक आया कि मुझे भी वैक्स करिए, तो मैंने उसका भी वैक्स करा, लेकिन थोड़ा संभल कर। नहीं, मजा आया मम। ये दर्दनाक नहीं है सही में मम। मतलब घर में लाइट गई भी है पर हम मोबाइल के टॉर्च से जो है फिक्स इससे भी बड़े से करिए साउंड तो करा कि गुड्डा जो है उसको वैक्स करने तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने भी इंजॉय करा और खूब हंसा। और यहाँ पर ये देखिए रश जो है ना, ये दशहरे का है, तो जो भी साथी दशहरा फेस्टिवल मनाते हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ा रौनक का माहौल था मार्केट में, 4-व्हीलर ड्राइव 2-व्हीलर ड्राइव इतनी मुश्किल हुई हुई थी करना कि जिसकी हद नहीं। मतलब पैदल चलने की भी जो है वो जगह बड़ी बनानी पड़ रही थी, क्योंकि एक दूसरे से टच होने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। देन मार्केट में रश काफी है, आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पर इस जगह से हम लोग निकले, तो यहाँ पे 2 घड़ी हम रुके कि हम गुड्डा को दिखाएं कि रावण जो है ये 32 फीट लंबा रावण है ये, तो काफी अच्छा रावण था। तो बस हम लोग जा रहे थे मार्केट क्योंकि हमें उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो लेना है ना। अब बिना गिफ्ट लिए तो हम जाने से रहे उनके यहाँ पर। तो भाई हम लोग पहुंच गए विशाल, अब विशाल गए तो स्टोरी ये बनी कि ले गया, क्योंकि समीरा के जो देवर है ना उनका खुद का फैब्रिक का काम है, मतलब वो फैब्रिक सोल्ड करते हैं। फैब्रिक इन द सेंस वो सूट वगैरह नहीं, वो जैसे रजाइयाँ और ब्लैंकेट्स और इस तरह का उनका बड़ा काम है। तब मुझे ये था कि अगर मैं विंटर का कुछ देती हूँ या मैं हाउस होल्ड की कोई चीज़ देती हूँ, जैसे मैं कोई रजाई देती हूँ या ब्लैंकेट का कोई सेट देती हूँ या बेडशीट के कोई सेट देती हूँ, तो फिर मुझे ये है कि भाई वो तो ऑलरेडी ये काम करते ही हैं। तो मैंने फिर सोचा कि ये जो साहब देख रहे हैं ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं कि ये जो है ये दे देते हैं एक, क्योंकि हम तो इसको यूज़ कर ही रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। और अब्बा के लिए क्या लेना है, क्योंकि अब्बा ने बोला था बेटा तुम लोग जाओ तो मेरे लिए भी कुछ देख लेना, यानी कि अब्बा की तरफ से देने के लिए कुछ ना कुछ। तो ये जो एक और सेट है ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पूरा डिनर सेट टाइप से है, काफी अच्छा इसकी ऑफर प्राइस भी थी और काफी अच्छी इसकी प्रिंट भी थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ये दोनों चीजें जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं। वॉच वगैरह मेरा लेने का था, वॉल क्लॉक जिसे कहते हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी सभी के यहाँ पर होती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आना था कि क्या। दूसरा मार्केट में रश बहुत था, तो ये वाला सेट मैंने अब्बा के लिए ले लिया और वो वाला जो है वो मैंने मेरे लिए ले लिया कि बस जल्दी से कुछ भी ले लें और हम जो है वो घर की तरफ जाएं। और दोनों ही चीजें मेरी यूज करी भी थी, इस तरह से सिमिलर तो नहीं है जैसा मैंने अब्बा के लिए लिया, मेरे पास थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो मुझे ये था कि दोनों अपना यूज करा हुआ अच्छा है तो ये ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने और भी चीजें सर्च करी, जैसे कि हमने आयरन जो है वो सर्च करी और भी चीजें देखी कि हम अगर कुछ और जम जाता है तो इसको हम रख देंगे
और हम वो ले लेंगे। अब जी सुनिए, पूरी स्टोरी ये हुई कि हमने सब सर्च करा, हम घूमे और हम घर आए। घर आने के बाद जो है मैंने वैक्स तो कर ही लिया था, अब मैंने आईब्रो और अपर लिप्स बनवानी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं, पहले मार्केट में कुछ खा पी लेते हैं ताकि घर जब जाएंगे तो हम आईब्रो और अपर लिप्स वगैरह बनाएंगे, और अगर भूख हुई तो दाल चावल खा लेंगे और नहीं हुई तो सो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन जो है वो हमें उठना है और उठकर समीरा के यहाँ जाना है और ईद मिलादुन्नबी का महीना चल रहा है। तो उन्होंने प्रोग्राम भी जो है वो मिलाद शरीफ का ही रखा था और कुरान खानी भी थी, तो मुझे ये था कि टाइम से पहुंच जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहन का ससुराल भी है और अपनाइयत भी कोई चीज होती है, तो उनसे मेरा पर्सनल रिलेशन भी है। उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगता है कि मैं जो है उनके भाई की साली हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि वो मुझे इतनी इज्जत देते जैसे मैं उनकी बहन ही हूँ, तो एक अपनाइयत का एहसास भी है। तो मुझे जो है ये था कि मुझे उनके यहाँ जाना है और टाइम से जाना है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अपन परचेसिंग करते हैं और घर जाते हैं। तो फिर जी हम लोग घर गए और घर जाने के बाद जो है हम लोगों ने फुल प्लान कर लिया कि नेक्स्ट डे हमें पहनना क्या है, आयरन क्या करना है, और फिर स्टोरी जो है ना वो कुछ और हो गई। अब वो क्या हो गई ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टोरी क्या हो गई। गुड्डा जो है वहां पर गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा वो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो कि सुनने लायक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो आप इंजॉय करिए फालूदा। क्या कर रहे थे? मेरा गुड्डा को दे दी। Peace.